हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरुस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे पैनासोनिक AC90 के बारे में। इसको मैनुअल मोड में कैसे चलाएं उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है कैमरा। डिस्प्ले इसके अंदर काफ़ी बड़ी है, PV100 से बड़ी है। और सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ से ये ऑन ऑफ स्विच इधर ही दिया हुआ है। और ये बैटरी पीछे, और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ फीचर्स। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो बटन्स हैं इन पे, और एक ये तीन रिंग्स, ये फोकस, ये जूम और ये आयरिस के लिए। और इसके अंदर ये यहाँ से जो बटन है मैनुअल और ऑटो के लिए, ये देखिए, ये मैनुअल के लिए और इधर करोगे तो ऑटो के लिए। और इसके अंदर ये तीन फीचर दिए हुए हैं, User 1, User 2 और User 3। इसके अंदर आप वाइट बैलेंस और शटर स्पीड, OIS, जूम वगैरह सब इसके अंदर आप सेट कर सकते हो यूजर्स के अंदर। और ये जो वाइट बैलेंस का स्विच है, ये वाइट बैलेंस है, ये OIS के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये फोकस ऑटो और मैनुअल के लिए, और ये आईरेस के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले के अंदर, पहले मैं कर देता हूँ इसको ऑटो पे। अब आप डिस्प्ले के अंदर देखिए, सब ये ऑटो मोड आया हुआ है। ये देखिए रेड कलर में ये यहाँ पे, और ये सब स्टैंडर्ड वगैरह है ओपन, और ये ऑटोमेटिक ये लेगा जो आप करेंगे। जैसे मैं धूप में करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको करते हैं वापस मैनुअल मोड में। मैनुअल मोड में दबाने के बाद आप देखिए डिस्प्ले के अंदर, देखिए स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो ये यहाँ से अगर अपन रिंग घुमाएंगे तो ये आयरिस काम नहीं करेगा। अब आपने क्या करना पड़ेगा कि ये इधर जो स्विच है आयरिस, ये जो आयरिस वाला स्विच है, इसको दबाना पड़ेगा। इसको दबाएंगे, अब आप डिस्प्ले में देखिए, ये आयरिस यहाँ से पे जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था ये हट गया। अब इसको आप कर सकते हो ब्राइटनेस कम ज़्यादा आयरिस। ये देखिए, ये ओपन में 22 dB, 24 dB, 25 dB तक गया है, 27, 30 dB हाईएस्ट इसके अंदर गेन 30 dB तक जाता है। और शटर स्पीड इसकी आप यहाँ पे दी हुई है, और इसको आप शटर स्पीड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना, ये जो शटर स्पीड है इस पर क्लिक करना शटर पे। और ये यहाँ पे देखिए 50, 100, 125, ये ऐसे इसके अंदर 100 और 100 से डायरेक्ट 50 है, 50 से नीचे भी नहीं है और 60 भी नहीं है इसके अंदर दिया हुआ। और इसको अगर आप ऑटो रखना चाहो तो ऑटो भी रख सकते हो। ऑटो रखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा शटर में, और मैनुअल में रखना है तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको वाइट बैलेंस के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए, ये वाइट बैलेंस के लिए ये स्विच दिया हुआ है। इसको अपन करेंगे प्रेस, तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए डिस्प्ले के अंदर मैं वाइट बैलेंस को प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए 5.6K वार HES 80W और लॉक, ये सब इसके अंदर आ रहा है। और इसके अलावा अगर अब देखिए कलर चेंज हो गया है, अब मैं वाइट बैलेंस को लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो ये कलर ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। और फिर भी अगर ये कलर सही सेट नहीं हुआ है, दिख रहा है कलर सही नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार फिर से लॉन्ग प्रेस करें, उससे ये हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए 5.6 बार वगैरह, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, हाँ तो देखिए ये रिंग जो है इसको ये इधर करने पे ये झूम होगा और इस जूम आउट, और ये ऊपर भी स्विच है जूम इन जूम आउट के लिए। इसके अलावा ये देखिए इधर हैंड के ऊपर इधर भी दिया हुआ है, और इधर फ़ोटो के लिए डायरेक्ट स्विच भी ये दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा देखिए ये LED और हैलोजन लगाने के लिए इधर एक ये दिया हुआ है, और इसके अंदर 5.1 चैनल जूम है, और ये ऊपर माइक है। इसके अलावा आप इधर देख लीजिए, ये इधर इनपुट दो माइक लगा सकते हैं आप,
और एक्सटर्नल। ये स्विच देखिए आप, ये वीडियो ये ऊपर रहेगा तो रिकॉर्ड करने के लिए, और ये नीचे आप जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो देखने के लिए। और इसके अंदर ये एसडी कार्ड यहाँ पे लगते हैं, दो कार्ड लगते हैं एसडी कार्ड। और इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ पे एचडीएमआई और एवी और यूएसबी 2.0 केबल है। ये देखिए इसके अंदर ये यूएसबी ये है डाटा कॉपी के लिए, इधर ये वाला केबल दिया हुआ है, और ये एवी मल्टी और ये एचडीएमआई केबल। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए डीसी 12 वोल्टेज का है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, ये जो फोकस असिस्ट है और ये जेब्रा मोड है, इसको ये भी वाइट बैलेंस पे काम आएगा आपके। और ये कैमरा रीसेट के लिए, काउंटर वगैरह, और ये मेन्यू में जाने के लिए आप ये टच स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी यूज कर सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है ये ऑडियो के लिए है, चैनल इनपुट, और एक इसके अंदर ये फीचर है क्विक स्टार्ट वाला। अब अगर इसको अपन लॉन्ग प्रेस कर दें तो आप देखिए ये डिस्प्ले बंद हो गया। अब आप इसके अंदर कौन सा भी स्विच यूज करो, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी बटन दबाओ, कुछ भी करो, ये पूरा लॉक हो गया है। अब इसको वापस अपन करने के लिए वापस अपने को ये क्विक स्टार्ट बटन ही प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए अब ये ऑन हो गया है वापस। बाकी फ्रेंड्स कैमरा ये अच्छा है, हाइब्रिड OIS है इसके अंदर, और 12x ऑप्टिकल जूम है इसके अंदर, 3 मॉड्स फुल HD इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, डॉल्बी डिजिटल 5.1 क्रिएटर साउंड है। इसके अलावा ये IRIS-M वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ये यहाँ पे जो इनपुट वगैरह दी हुई है, ये जो अपन यहाँ से केबल माइक एक्सटर्नल माइक लगाते हैं ना, उससे जो रिकॉर्ड होगा वही होगा इसके अंदर। ये इनपुट वगैरह माइक लाइन वगैरह करोगे लाइन पे ये है लाइन, और ये ऑफ ऑन लाइन वगैरह के लिए है। और इसके अलावा डिस्प्ले जो है इसके अंदर ब्राइट है, बड़ा है डिस्प्ले। और बाकी सेटिंग्स आपको पता ही है। इसके अलावा आप देख लीजिए मेन्यू के अंदर कैमरा सेटअप में, ये जो कस्टमाइज स्कैन वगैरह ये सब दिया हुआ है, क्रोमा लेवल, क्रोम पेस, कलर टेम्परेचर, ACS कलर टेम्परेचर, बी चैनल, ये सब दिया हुआ है, मास्टर पैड, ऑटो आयरिस लेवल, DRS। इसके अंदर देखिए गमानी वगैरह, स्किन टोन डिटेल्स वगैरह ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। और इसके अलावा रिकॉर्ड सेटअप भी आप कर सकते हो इसके अंदर हाईएस्ट। ये देखिए फुल HD है, ये 4K कैमरा नहीं है, इसके अंदर फुल HD 1080 50p पे रिकॉर्ड होगा, ये 50 सही, और 1080 50p पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और कम से कम आप 571 पे कर सकते हो, 720 HD में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा टू स्लॉट फंक्शन, टाइम लैप से रिकॉर्डिंग का सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है, और ये TCG TC प्रीसेट, जूम हाइब्रिड OIS दिया हुआ है इसके अंदर, टाइम स्टैम्प आप लगा सकते हैं, और माइक सेटअप 2 चैनल है। उसके अलावा अदर फंक्शन के अंदर आप ये देख लीजिए फॉर्मेट कार्ड वगैरह का दिया हुआ है। इसके अलावा आपको मैंने वो शटर का बता दिया, ये शटर यहाँ से होगा। और इसके अलावा ये जो स्कैन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 तक, इसको भी आप उसके अंदर, ये स्कैन के अंदर भी आप देख लीजिए, ये भी वाइट बैलेंस के ही हैं, स्कैन 1 स्कैन 2 स्कैन 3 स्कैन 4। ये देखिए आप कलर चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत मतलब लाइट कलर के लिए है। और इसके अलावा ये यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ATW वगैरह, हिस्ट्री मेनू। तो फ्रेंड्स ये था AC90 का छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये आप देखो इसको अंदर अपन डाल देते हैं, इसको अंदर ये यहाँ से पूरा लॉक, और ये यहाँ से देखिए यहाँ से पुल करने के लिए डिस्प्ले।